नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तुलसी माता के बारे में आज बताते हैं। आप सावधानियां रखा कीजिए। तुलसी माता को घर में लगाने के बहुत से नियम हैं, सावधानियां हैं। तुलसी के गमले में दूसरा कोई पौधा ना लगाएं। जी हाँ, कई बार क्या होता है, कई घरों में लंबे गमले होते हैं, उसमें एक साइड में तुलसी का पौधा लगा देते हैं और तुलसी माता के साथ ही अन्य कोई पौधा, कोई फ्रूट का या कोई फूल वाला पौधा लगा देते हैं या कांटेदार लगा देते हैं, जो कि बहुत ही कष्टकारक होता है तुलसी माता के लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। ऐसा करने से धन हानि हो सकती है या बनते काम बिगड़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर दो, पूर्व या उत्तर में तुलसी अवश्य लगाएं, यानी कि पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में, या पूर्व और उत्तर दिशा की कोण में, आप ईशान कोण में भी लगा सकते हैं, बहुत शुभ होता है। इससे घर में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक लाभ बना रहता है। शारीरिक यानी कि स्वास्थ्य बना रहता है। घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी छोटी मोटी लगी रहती है, दवाइयाँ चलती रहती हैं, तो वो दवाइयाँ छूट जाएंगी। आप अगर औषधीय प्रयोग भी करते हैं, यानी कि तुलसी के बीज का सर्दियों में चाय कॉफ़ी में इस्तेमाल करते हैं, या पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, उसके अर्क का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको स्वास्थ्य में लाभ होता है। पूजा भी कीजिए तो भी लाभ होगा। तुलसी की माला कंठ में धारण कीजिए, गले में धारण कीजिए, आपको स्वास्थ्य में भी सुधार मिलेगा। मानसिक डिप्रेशन दूर होगा, तनाव से मुक्ति मिलती है, आर्थिक स्थिति में लाभ बना रहता है। व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, धन की परेशानी बनी रहती है, पैसा आता है जाता है, किसी न किसी खर्चे में लग जाता है, पैसे की बरकत नहीं होती। घर में सही दिशा में, सही डेकोरेशन में तुलसी का पौधा लगाइए, तुलसी का पूजन कीजिए, तुलसी की माला कंठी में धारण कीजिए और नियमों का पालन कीजिए। फिर देखिए आपके घर में किस प्रकार से धन की बरकत होती है, किस प्रकार से तरक्की आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दिखती है, देखते ही देखते। एक तो कहते हैं कि किसी चीज़ में समय लगता है, लेकिन तुलसी के पौधे से स्वास्थ्य के संबंधित प्रयोग करने के लिए औषधीय उपाय या घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए ज्योतिष उपाय को अगर इस्तेमाल करते हैं तो आंखों देखा रिजल्ट मिलता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखिए। अगर कोई बात समझ ना आए कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो की शेयर करें, भगवान आप पे कृपा बनाए रखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। कुछ पूछना है कमेंट करके पूछिए, आपकी समस्या का अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। हमारे सभी चैनल यूट्यूब चैनल में जिन्हें लिंक दिए गए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। माता रानी आपके परिवार पर व आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय तुलसी माता।